आज का ये जो गेम प्ले होने वाला है इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग देख के लिटरली आप लोग अपने कच्छे फाड़ दोगे भाई साहब। तो बहुत दिनों के बाद मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लाओ, फाइनली मैं लेके आ गया हूँ। और ये देखो स्टार्टिंग कैसे की है मैंने आज के इस गेम प्ले की। भाई ये वाला कार 98 का शॉट जिसको भी ओपी लगाओ भाई, जो लोग भी नए हो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो यार। भाई पैराशूट से बंदे को गिरा दिया मैंने। अब ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। अब आपने शुरू में देखा होगा जहाँ पे मैं बीच में फंस जाता हूँ मैक्लेरन में और दो बंदे मेरे पे पुश कर देते हैं। तो आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि क्या मैं इसको भरा भाई, अरे बच कैसे गए, क्या मैं वहाँ पे बच पाऊंगा, क्या मैं वहाँ पे वो क्लच कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर वो दोनों बंदे मुझे भर देंगे और यहीं पे हमारा गेम प्ले खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को बता दूं आज के इस गेम प्ले को देख के आप लोग को गूजबम्स आने वाले हैं क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्लचेज होंगे और भाई इतनी बार मैं मरने से बचूंगा ना लिटरली आपको मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो स्क्वाड उतरी थी जिसके मैंने बंदे को नॉक किया था तो मैं पूरा रोटेशन देख के इधर साइड आया हूँ। अब उन लोग की तो ऑलरेडी भाई लंका लग चुकी थी और वो लोग पहले से दहशत में जी रहे थे कि भाई ये बंदा बहुत खतरनाक है, पैराशूट से उतरने से पहले भर दिया। अब आप कभी भी एक बंदे पे पुश करो तो हमेशा ऐसे उसको कंफ्यूज करो लेफ्ट राइट करके और फिर उसको सीधे एकदम धप्पा बोल दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग को सीखनी पड़ेंगी। फिलहाल के लिए इसके जो दो टीम मेट थे जो कि बग्घी लेके आए थे वो थे दूसरे वाले वेयर हाउस में, तो मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी से। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया मुझे भाई तीसरे वेयर हाउस से बंदे की फुट्स आए यहाँ पर पीछे से, तो मैंने यहाँ पर एक ग्रेनेड किया ताकि वो बहरा हो जाए और मैं लेफ्ट से उन पर पुश कर सकूँ। लेकिन उनका एक बंदा तीसरे वेयर हाउस में पहुंच गया, ये देखो खड़ा है। भाई साहब ये वाला जिसको भी भाई रिफ्लेक्स ओपी लगाओ ना प्लीज एक लाइक तो बनता है गाइस। तो भाई यहाँ पे क्या ही मारा इन दोनों बंदों को। अब इन दोनों बंदों को जैसे ही मैं नॉक करता हूँ एक बंदे को फिनिश कर दिया, तभी सामने से एक और बंदे की फुट्स आ गए मुझे। अब ये बंदा मुझे लगा इन्हीं का चौथा बंदा है लेकिन आप भाई ये शॉर्ट गन चला रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा मुझे डरा रहा है, बता रहा है कि मेरे पास शॉर्ट गन है दूर ही रही हो नहीं तो तेरी तो मैं बजा दूंगा आज। लेकिन एक्चुअली मैं जिस बंदे को मैंने नॉक किया है ये उसकी पुंगी बजाने में लगा हुआ था और इसकी फट रही थी कि मैं भी राइट से इसमें फ्लैंक नॉक कर दूं और तब तक इसने उस बंदे को भर दिया। भाई इसने मेरा किल चोरी किया, उसके बाद भाई सामान भी लूट रहा। लेकिन बोलते हैं ना भाई बॉट भगवान लोग भाई किल सिक्योर करवाने और केटी बढ़वाने आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे ये बॉट भैया आ गए जिनको मार के हमने अपना किल जो चोरी हुआ था उसको पूरा सिक्योर कर लिया। और जॉर्जो पुल में सिर्फ इतने ही बंदे आए हुए थे तो यहाँ से मैं जॉर्जो पुल से गाड़ी लेके जाता हूँ जॉर्जो सिटी में। वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा था कि एक स्क्वाड हो सकती है लेकिन वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे दिखी मैक्लेरन। और भाई मैक्लेरन मिलने के बाद तो क्या ही है भाई, ब्लड रेवन प्लस मैक्लेरन AKM प्लस M416 भाई, मतलब एकदम पूरा प्यारा सा कॉम्बो हो गया। तो आपका फेवरेट आउटफिट और गन्स का कॉम्बो क्या है कमेंट करके बताना जरूर। अब मैं यहाँ से स्कूल में जा रहा था तभी भाई रिज पे हो रही थी फाइट। अब इन लोगों ने यहाँ पे इस बंदे को या फिर बॉट को नॉक किया तो मैंने सबसे पहले तो भाई किल चोरी किया, इस बंदे को हल्का सा डैमेज दे दिया मैंने और इसके दूसरे टीममेट को मैंने स्पॉट करने का ट्राई किया। और यहाँ पे का जो क्लच आप लोग देखने वाले हो ना भाई 69 IQ, मतलब IQ देख के ना आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बस आप लोग वेट करो। और यहाँ पे मैंने पहला बंदा नॉक किया और सीधे भाई अपनी मैक्लेरन की तरफ भागा
और मैं सीधे अब इन पे पुश करने वाला हूँ। तो गाइस जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर आप लोग लाइक कर दो, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई वीडियो को पूरी देखना क्योंकि आप लोग को बहुत मजा आने वाला है भाई आज के इस गेम प्ले में। और ऐसे कमाल के गेम प्ले डेली आते रहते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने किया स्मोक, और मैंने क्या किया, मैक्लेरन को डाल दिया स्मोक में। एंड बूम गाइज, इसी के साथ ये क्लच कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैंने इनके स्मोक का यूज इन्हीं के खिलाफ किया, मैंने मैक्लेरन जाके डाल दी भाई स्मोक में, तो इनको पता ही नहीं चला कि भाई बंदा कहाँ गया, गाड़ी कहाँ गई। और ऐसे ही आप लोग भी यूज कर सकते हो। मोस्टली जो होता है तो जो भी बंदे रस करते हैं वो तो इस साइड से करते हैं नीचे से पहाड़ के, या तो अपोजिट साइड से, लेकिन मैंने भाई क्या किया बंदों पर ही डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ से निकल के हम आते हैं अपार्टमेंट्स में, और भाई अपार्टमेंट में पहली बिल्डिंग में बंदे, यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ यहाँ पे भी बंदे। मैंने पहले सोचा यहाँ पे गाड़ी रोकूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक नहीं दो स्क्वाड है। मैंने यहाँ पे भाई अपनी मैक्लेरन घुमा ली पूरी, और यहाँ पे आता हूँ मैं तो मुझे भी यहाँ पे एक बंदे के फुट्स आए, मतलब भाई पूरी की पूरी बिल्डिंग इन लोगों ने ऑक्यूपाइड करके रखी हुई थी। अब यहाँ का जो 1v4 क्लच है उसको देख के भाई तुम लोग पागल होने वाले हो, लिटरली एकदम से कच्चे फाड़ दोगे अपने, गला वाला मत काट लेना प्लीज, और एक लाइक कर देना भाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हाई रिच पे आता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी करके रस करने से पहले एक बंदे को नॉक करना था, जिससे कि भाई उनकी टीम थोड़ी पैनिक हो जाए। अब इस बंदे को मैंने पूरा का पूरा लिट कर दिया, एंड उसके बाद मैं राइट में घूम के गया एक बार पूरा का पूरा, और यहाँ पे बंदे को स्पॉट करने का ट्राई किया, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। मैं वापस मैक्लेरन लेके निकलता हूँ और इस वाली बिल्डिंग पे सीधे रस कर देता हूँ, फर्स्ट वाली बिल्डिंग पे। और यहाँ का क्लच देख के भाई आप लोग पागल होने वाले हो, बस आप लोग रेडी रहो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मुझे छत के एकदम कोने से एक बंदे के फुट्स आए, मैंने ग्रेनेड खोला, तभी मेरे पे एक ग्रेनेड आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दरवाजे को बाहर की तरफ खोल दिया जिससे मेरे को कवर बन जाए, और अब ये वाला ग्रेनेड देखो आप लोग, और इससे बंदा नॉक होगा तो भाई शेयर करोगे आप अपने दोस्तों के साथ। एंड बूम गाइस, तो इसको बोलते हैं भाई मस्त वाला साउंड सेंस। यहाँ मैंने एक और प्री ग्रेनेड कर दिया ताकि ऊपर जब मैं रस करूँ तो वो बंदे बहरे हो जाएं और उन्हें मेरा फुट्स ना आए, और नीचे से भी इन बंदों ने रस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे एक प्री ग्रेनेड कर दिया, ऊपर वाले बंदे बहरे हो चुके थे। लेट्स गो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुश रोका, और देखा आप लोगों ने बेबी गॉडजिला कैसे आ रहा था पीछे पीछे। अब ये वाला है आप लोग सीन देखो भाई, इन बंदों की रूह कांप जाएगी आज। भाई साहब ये वाला क्लच आप में से कितने लोगों को पसंद नहीं आया कमेंट करके बताना, पसंद तो एब्सोल्युटली सभी लोगों को आया होगा, किसको पसंद नहीं आया ये कमेंट करके बताना। यहाँ पे भाई मेरे बेबी गॉडजिला को देखो भाई पगलाया हुआ एकदम खुशी के मारे भाई क्लच देख के ब्लड रेवन का, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस। उसके बाद मैं यहाँ से मैक्लेरन लेके निकलता हूँ, और यहाँ पे एक और टीम थी जिस बंदे के फुट्स मुझे यहाँ पर से आए थे, तो यहाँ पे आके मैं मैक्लेरन अपनी रोकता हूँ। उसी टाइम पे सामने रोड पे चल रही थी फाइट, एक ग्रेनेड मैंने किया ताकि वो बंदा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए और बहरा हो जाए, दूसरा ग्रेनेड का प्लग मैंने खींचा, भाई बच गया। भाई प्रोन शॉट ओपी। अब एक बंदा मुझे यहां स्पॉट हुआ, सामने भाई घमासान युद्ध चालू था, रेड जोन भी गिर रहा था, मैंने एक बंदे को नॉक भी कर दिया था, लेकिन उसी टाइम पे नीचे से एक बंदा मेरे पे रस कर देता है।
सबसे पहला काम होता है जब भी आप पे कोई रस करे उनका रस रोकना। उसके लिए आप एक मौली या ग्रेनेड कर सकते हो उनकी पाथ पे जहाँ से वो आने वाले हो आप पे। लेकिन ये बंदा ऊपर आया ही नहीं, ये बंदा नीचे नीचे ही मंडरा रहा था। एंड उसके बाद जैसे मैं नीचे जम करके आया ये बंदा चला गया ऊपर स्मोक करके। यहाँ मैंने अच्छे से फुट सुने उसके, ग्रेनेड प्लग किया और जोन भी आ चुका था। ये ग्रेनेड मैंने फेंका और इसके बाद मुझे पता था ये बंदा पीछे साइड भाग के जाएगा और भागने का ट्राई जरूर करेगा। अब देखो जलवा, एंड इसी के साथ ये भी स्क्वाड का लास्ट बंदा यहाँ पे खत्म होता है। और जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया मेक श्योर आप लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने का टाइम आ गया है क्योंकि अब इसके बाद जो क्लच होने वाला है भाई लिटरली तुम लोग चीखने वाले हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ राइट में, ओपन से कार 98 की आवाज आती मुझे और सामने मैक्लेरन के पास मुझे दो बंदे स्पॉट होते हैं। इन दोनों बंदों ने एक बंदे को यहां पे भर दिया बग्घी वाले को। अब ये सांप भैया को मैंने भाई डस लिया यहां पे, कार 98 चला के इन्होंने गलती कर दी थी। उसके बाद मैं सोचता हूं मैक्लेरन लेके स्क्वाड हाउस जाऊंगा और वहां से इन मैक्लेरन वाले बंदों को मारूंगा। लेकिन यहां पे भाई कुछ गलत होने वाला था मेरे साथ। मैं यहाँ पे 40 HP मैक्लेरन का एक टायर फूट गया जिसके कारण अनबैलेंस हो गई मैक्लेरन। और यहाँ मैंने स्मोक किया जैसे ही, एंड उसके बाद मैंने सीधे भाई अपने को फर्स्ट एड लगाई होती। सबसे पहले मैंने मैक्लेरन फोड़ दी पूरी पूरी। फर्स्ट एड लगाता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट एड लगाना चालू करता हूँ मुझे दूर से आवाज आई मैक्लेरन के आने की। भाई साहब अब आप में से कमेंट करके ये बताओ सारे के सारे लोग कि किस किस ने बोला था शुरू में कि मैं बच जाऊंगा यहाँ पे और किस किस ने बोला था कि मर जाऊंगा। और आप में से कितने सारे लोग यहाँ पर का क्लच कंप्लीट कर पाते अगर इस सिचुएशन में आप होते तो कमेंट करके बताना जरूर। और ये वाला क्लच कैसा लगा एक्चुअली में आप लोग को ये भी बताना जरूर। भाई मेरे तो लिटरली पसीने छूट गए। ऐसी सिचुएशन में दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप पैनिक नहीं होने चाहिए और आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। फिलहाल के लिए पहाड़ी पे मुझे एक और मैक्लेरन दिखी थी तो मैं यहाँ पे आता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि ड्रॉप भी गिरा था और मैं वो बंदे को स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था चोटी पे। लेकिन वो बंदा एक्चुअली में निकलता कहाँ है आप लोग ये देखो। ये भैया तो ड्रॉप लूट के भाग रहे थे। अब यहाँ पे मेरे M4 में सिर्फ और सिर्फ 140 बुलेट्स बची तो मैं सोचता हूँ कि पीछे वाले जिन बंदों को मैंने भरा है जाके उनसे एमो लूट के आता हूँ। और एमो लूट के जब मैं आया तो मेरी हैरे फुटी किस्मत देखो तुम लोग, इतना आराम से प्यार से उतारा। लेकिन बोलते हैं ना किस्मत खराब हो तो भाई ऊंट पे भी बैठे को कुत्ता काट लेता, बिल्कुल वैसे हुआ। मैं जोन के बाहर था, पूरा ओपन एरिया था और भाई मुझे एक गाड़ी चाहिए थी तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस बंदे की मैक्लेरन लेके आऊँगा। जोन देखो कितना छोटा हो चुका है, अगर इस मैक्लेरन में तेल नहीं होता तो भाई मेरा तेल निकल जाना था आज। तो भाई रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि रिस्क से ही नाम बनते हैं भाई। अब इसके बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और जोन में जाता हूँ। और जोन में जाके सबसे पहली प्रायोरिटी थी मेरी कि इस फर्स्ट वाली बिल्डिंग में जाना और इसके अंदर एक सिक्योर सेफ घर है, छोटा सा रूम है तो वहीं पर घुसना। ये रहा वो, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे ऊपर से एक बंदे के फुट्स आते हैं। तो यहाँ मैंने अपने आप को हील किया, बाहर की तरफ स्मोक किया और इस ऊपर वाले बंदे को मुझे नेट से भरना था, भरना नहीं था तो एटलीस्ट डैमेज तो करना ही था। अब यहाँ पे जैसे नेट फटा मैं यहाँ पे मैक्लेरन लेके निकलता हूँ स्क्वाड हाउस में। अब मुझे पता था कि स्क्वाड हाउस में दूसरा बंदा हो सकता है लेकिन भाई दूसरा बंदा इतना भयंकर वाला कैंपर होगा मुझे ये नहीं पता था। मैं यहाँ पे जैसे आया देखो बिल्कुल भी फुट्स नहीं मैप में, ना ही साउंड्स। लेकिन ये देखो भाई मतलब कैंपिंग लेवल इन्फिनिटी। अगर मैं वहां पे रुकता नहीं स्टार्टिंग में तो ये बंदा मेरी पेटी बना देता। अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट बंदा बचा हुआ था और इस बंदे की मौत बहुत ओपी होने वाली थी। मैंने सबसे पहले इसे M2 फोर्सेस का लेवल 3 का हेलमेट खोल दिया।
अब ये बंदा लिटरली 10-20 HP बचा होगा। मैंने ट्राई किया कि एक और यार लग जाए शॉर्ट हिट वाला पार्ट से गाचो गाचो, लेकिन भाई ये बच गया यार, ये नीचे चला गया सीढ़ियों के। तो यहाँ पे फाइनली टाइम आ चुका था भाई थर्ड आई ग्रेनेड का। अब किन किन लोगों को पता है थर्ड आई ग्रेनेड का मतलब क्या होता है कमेंट करके बताना, जिनको नहीं पता है तो वो भी बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही ओपी चीज है आई ये। एंड बूम गाइस, इसी के साथ एक कमाल का ओपी डिलीशियस चिकन डिनर। और आज के गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसी कमाल के ओपी गेम प्ले देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो लोग भी नए हो और जो लोग भी अभी तक देख रहे हो, दिल से थैंक यू वेरी मच गाइज। और जिन लोगों ने इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो प्लीज यार इंस्टा में फॉलो कर लो भाई, 76K फॉलोवर्स थे, अभी 10K हो गए हैं आप लोग की हेल्प से, तो एक बार फिर से वापस आ जाओ प्लीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, सायोनारा, बॉस हियर एंड आई एम साइनिंग आउट एंड गाइज लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।